नमामि समीदान निर्वाण रूपं एवं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं हेयं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं वदीयं निराकारोंकारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानकोदितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणाकार संसार भारं नतुहं तुषारादि संकाश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाषीधरीनं सुन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा दशद्वालिवालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेतं विशालं षण्णाननं नीलकण्ठं दयालं मृगादीतचर्मं वरं मुण्डमानम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मयं मानकोटिप्रकाशम् क्रियाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं महेयं भवानि प्रतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारि सदा सज्जनानन्ददाता पुरारि चिदानन्दसन्दोहवहारि मन्नतारि दयापारुमानादपादारविन्दं भयन्ति हलोके परिवानारणं तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं श्रीदप्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां ततोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुं मधुगताप्यमानं गोपाह्यापन्नमामीश शम्भोरुद्राष्टकमिदं भोक्तं विप्रीणाहतोषये ये पठन्दिना भक्त्यां तेषां शम्भोऽप्यसीदति हर 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 महादेव। ओम रोगहर कष्टहर कालहर दारिद्रहर संपूर्ण मनोरथ अपने दर्शनोऽसि विधान कर हर 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 महादेव। ये पंडित शिवांश कौशिक जी इन्होंने रुद्राष्टक पढ़कर सभी को सुनाया, बहुत ही कृपा पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ हो आयुष्मान भव। इनके लिए लाइक कमेंट शेयर जरूर करें पंडित जी के लिए।